हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्लांट हार्मोन्स में दो हार्मोन्स के बारे में बताया है एज पर योर सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सिन के बारे में और जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों का प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं, उसी प्रकार से आपका एनिमल्स के भी हार्मोन्स जो हैं उपस्थित होते हैं, जो एनिमल्स में एक विशेष कार्य को करते हैं, जैसे कि आपका इमोशंस को लेकर आना। इमोशंस के अलावा जो है और बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आप रोते हैं तो जो आंसू निकलते हैं आपकी आंखों से, वो भी किसी ना किसी हार्मोन की वजह से निकल रहे होते हैं। आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जैसे गर्ल्स में जो उम्र बढ़, जब थोड़ी सी एज ज्यादा होती है, तो जो मेंस्ट्रुअल का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। बॉयज में बियर्ड आना स्टार्ट होते हैं, तो वो भी सब हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो ये एनिमल हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। प्लांट्स में जो चीजें होती हैं वो प्लांट हार्मोन की वजह से होती हैं, लेकिन एनिमल्स में, मतलब हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोगों में जो क्या हो रहे हैं, आप लोगों का जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, या फिर कुछ सडन रिएक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, हार्मोन की वजह से होते हैं। तो हम लोग एनिमल हार्मोन को डिस्कस करते हैं। एनिमल हार्मोन, तो एनिमल हार्मोन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेट हार्मोन को। वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट हार्मोन मतलब, वर्टिब्रेट को हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं। कशेरुकी के अलावा वर्टिब्रेट को जिनका, अब हिंदी वर्ड तो एक्चुअली मुझे नहीं पता। देखो, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में, नॉन वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में एक चीज बता देती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी इंसानों में है, जानवरों में है, लेकिन पौधों में नहीं है। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जो जूलॉजी वाले हैं इस चीज को अच्छे से समझेंगे, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा उन लोग को अच्छे से समझ आएगा। वही कॉर्डेटा मतलब ही वर्टिब्रेट होता है, नॉन कॉर्डेटा मतलब इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होता है, जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो आपके वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम सभी, मतलब हर ह्यूमंस, इंसान, इसके अलावा जो जानवर होते हैं वो भी। तो हम पहले वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब जो हार्मोन्स है वो कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड्स से निकलते हैं। ग्लैंड्स मतलब आपके जो ग्रंथियां रहती हैं उनसे जो है सिक्रीशन होता है। कौन से ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो ग्लैंड्स से आपके क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी रिलीज देयर सिक्रीशन बाय मीन्स ऑफ डक्ट। अब ये ग्लैंड्स हैं, कौन से ग्लैंड? ग्लैंड आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करते हैं? हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं। लेकिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होगी? डक्ट की। डक्ट मतलब नलिका। नलिका के जरिए जो है हार्मोन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है वो रिलीज भी होते हैं। अब ये जो डक्ट्स के द्वारा जो है रिलीज होते हैं आपके जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को रिलीज कौन करता है? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे सिक्रीट होता है जो हार्मोन होता है। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्मोन्स पढ़ना। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड है जिनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर हम उसे डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक और नाम भी है, डक्ट ग्लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स और सलिवरी ग्लैंड्स। जैसे कि आप लोग का स्वेट ग्लैंड्स है, जब पसीना निकलता है, पसीने की भी ग्लैंड्स होती हैं जहां से पसीना रिलीज होता है। सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो आप लोगों के लार ग्रंथियां जो बोलते हैं, जिसे आप लोग सलिवरी ग्लैंड्स, मतलब जो लार ग्रंथियां जिससे लार जो है सलाइवा जो है रिलीज होता है। तो इस प्रकार से आपके कुछ कुछ ग्लैंड्स जो है वो होते हैं। अदर ग्लैंड्स इन द बॉडी प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द नियर बाय ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स विच
कैरी देम टू वेरियस ऑर्गन्स वेयर दे एक्सर्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट। कुछ ग्लैंड्स ग्लैंड्स जो होते हैं, कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम जब हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस के रूप में जो है सिक्रीट करते हैं। कुछ जो ग्रंथियां हैं वो केमिकल सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है किसके सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हार्मोन को स्त्राव हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अभी हार्मोन्स का स्त्रावण जिस अंग में होता है जरूरी नहीं है कि उसी अंग में ही उसका असर दिखे। एक जगह से ही निकलते हैं, दूसरा जगह पे जाके अपना असर दिखाते हैं। जैसे अगर कोई मस्तिष्क से निकलने वाला हार्मोन है तो जरूरी नहीं है कि वो मस्तिष्क में ही काम करेगा। निकलते जिस जगह से, जिस ग्लैंड से निकलते हैं वो दूसरी जगह पे जाके अपना असर दिखाते हैं। इसलिए एक इफेक्टर होता है और एक टारगेट होता है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कई बार ये जो है ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में ही यूजुअली पाए जाते हैं। आपके जो हार्मोन्स रहते हैं ब्लड में मिलते हैं, नियरली ब्लड में डायरेक्टली मिल जाते हैं, या फिर लिम्फ वेसल्स में जो लसिकाएं होती हैं उनमें भी मिल जाते हैं आपके जो हार्मोन्स रहते हैं। और उसके बाद ब्लड से होते हुए खून में बहते बहते ये उस जगह पे जाते हैं जहां पर इन्हें जाकर अपना असर दिखाना है। जैसे मस्तिष्क से कोई हार्मोन निकला है उसे जो है किसके लिए रिलीज किया गया, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है उस पे, ठीक है? जैसे हाथ ने कुछ ऐसी चीज पकड़ी हुई है जो आप सही नहीं है, मतलब कुछ कुछ कार्य करने के लिए, हाथ का कुछ कार्य है सो करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता है। तो हार्मोन जो है रिलीज कहाँ से हो रहा है? आपके मस्तिष्क से, ब्रेन से, और वो ब्लड के थ्रू आपका सिक्रेट बहते हुए पूरा फ्लो होते हुए कहाँ पहुंच रहा है? हाथ तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से आपका जिस जगह से निकलता है उस जगह पे असर ना करके दूसरी जगह से निकलते, तो जहां से निकलते हैं हार्मोन वो इफेक्टर कहलाते हैं, और जहां जाके आप अपना असर दिखाते हैं हार्मोन वो टारगेट कहलाते हैं, ठीक है? अब हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो हार्मोन्स में कुछ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन रहते हैं जो अमीनो एसिड के प्रकृति के होते हैं, आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जो अमीनो एसिड के नेचर के होते हैं और आपके बॉडी में पाए जाते हैं, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के जो हार्मोन्स होते हैं इनकी कैटेगरी में जो सबसे पहला हार्मोन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड की बीमारी आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, थायराइड की बीमारियां भी होती हैं किसी को, बहुत लोगों को। तो थायराइड हार्मोन जो है आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के कैटेगरी के अंतर्गत हम एनिमल हार्मोन्स में हम पढ़ने वाले हैं। ये अमीनो एसिड नेचर के होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो है वो क्या है? द थायराइड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो थायराइड हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि से आपका थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। थायराइड ग्रंथि या फिर थायराइड ग्लैंड, ठीक है? इनसे जो है रिलीज होते हैं कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन। अभी जो थायराइड जो होते हैं, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्रंथि है, ये सभी जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनसे हार्मोन जो है रिलीज होता है, उन सब में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, सबसे बड़ा जो हार्मोन है वो क्या होता है? थायराइड, आपका थायराइड ग्रंथि है। कौन सा है आपका, क्या क्या चीज है ये? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि।
ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, एंड इज द बॉडीज फर्स्ट एंड द इन द बॉडीज फर्स्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय वेटोनिक इन 1659। और इसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में जाना किसने था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्लैंड भी एक होता है जिनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, इस सब चीजों के बारे में किसने बताया था 1659 में। 1659 में हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉर्टोनिन, वॉर्टोनिन नाम के साइंटिस्ट थे, ये वॉर्टोनिन नाम के साइंटिस्ट ने 1659 में सबसे पहले इसका आविष्कार किया था और बताया था कि हार्मोन नाम के भी कुछ चीजें होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होती है और एक जगह से निकलकर दूसरी जगह में अपना असर दिखाती है। तो इस प्रकार से ये 1659 में वॉर्टोनिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। हु गेव इट द डिस्क्रिप्शन में नेम थायराइड बिकॉज ऑफ इट्स रिसेम्बलेंस टू अ शील्ड। अब ये जो है थायराइड नाम इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने देखा कि जो थायराइड ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करके विभिन्न प्रकार के कार्य तो कर ही रहा है और साथ ही साथ बॉडी की रक्षा भी करता है, प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है, इसलिए इसे थायराइड नाम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है, ये तो था आपका वर्टिब्रेट हार्मोन के अंतर्गत अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा, थायराइड हार्मोन देखा, थायराइड हार्मोन के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन एक और चीज है, दो तीन चीजें हैं जो थायराइड हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि एक है, अगर इंसानों की बात की जाए तो इन मैन द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स ऑन ईदर साइड ऑफ एंड एंटीरियर टू द ट्राकिया जस्ट बिलो द लेरिंग्स। लेरिंग्स, लेरिंग्स कहाँ पर होते हैं मैं आपको बताती हूँ, तो आप लोगों को फोटो दिखाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, सबको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसमें देखिए लेरिंग्स किसको बोलते हैं, यहाँ पर शो किया जा रहा है, लेरिंग्स यहाँ पर है, ये लेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये ट्रैकिया है। तो ये कंप्लीटली आप लोगों का रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीटली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे लैरिंग्स किसको बोलते हैं और फैरिंग्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों का थायराइड हार्मोन के बारे में वॉर्टोनिन नाम के साइंटिस्ट ने 1659 में बताया था, और उन्होंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे लंबी या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और अगर इन मैन या फिर ह्यूमंस की बात की जाए तो द ग्लैंड इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, ये जो ग्लैंड है इसमें दो लोब्स से मिलकर बना होता है और जो कि दोनों साइड में उपस्थित होता है, और इंटीरियर एंड द एंड ऑन इधर साइड ऑफ एंड इंटीरियर टू द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो है, ये जो लैरिंग्स है, जो लैरिंग्स मैंने बताया, ये जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है वह यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड जो है उपस्थित होता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड का भी एक डायग्राम है जो मैंने निकाला है इसमें, लेकिन उतना क्लियर नहीं है, इसमें नाम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए ये वाला डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं इसमें ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बताया कि लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो है आपका थायराइड होता है, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो है थायराइड उपस्थित है, ये इस प्रकार के संरचना, ये दो लोब्स बने होते हैं इसमें, दो खांचे होते हैं, ये पहला खांचा, ये दूसरा खांचा। ठीक है, ये पहला खांचा दूसरा खांचा, लेफ्ट में एक खांचे होते हैं, दूसरा में एक राइट में एक खांचा होता है जिसे दो लोब्स बोलते हैं। खांचा कभी भी नहीं लिखेंगे, लोब्स ही लिखना एग्जाम में कभी भी अगर लिखते हैं आप, तो दो लोब्स से मिलकर बना होता है जो दोनों तरफ होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लोब्स बने होते हैं। ये जो ग्लैंड है इसी प्रकार की संरचना इसकी रहती है, और जो ये जो है जस्ट किसके नीचे पाया जाता है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के जस्ट नीचे जो है ये पाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ट्राकिया है जो ये है, और ऊपर जो है ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स और ट्राकिया के जस्ट नीचे आपका क्या पाया जा रहा है, जस्ट नीचे आपका ये थायराइड ग्लैंड जो है ये पाया जा रहा है, थायराइड ग्रंथि जो है वो पाई जा रही है। ठीक है,
अब ये तो थी एक बात कि कहाँ पर पाया जा रहा है और कैसा होता है करके, ये दो लोब्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड अक्रॉस द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ट्राकिया। ये एक्चुअल में अच्छे से कनेक्टेड होते हैं ट्राकिया से। ट्राकिया जो है पूरा तरीके से थायराइड से जुड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द ही थायराइड पूरा चिपका हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। टू लोब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ट्राकिया विथ अ नैरो ब्रिज, जो कि एक छोटे से इस ब्रिज से जुड़े होते हैं, जैसे कि ये जो ब्रिज के जैसा फॉर्मेशन जो कर रहा है ये देखिए, इससे जो है जुड़े हुए हैं ये दोनों जो लोब्स हैं, मेकिंग द एंटायर ग्लैंड मोर और लेस एग शेप्ड इन अपियरेंस। ये अगर बात की जाए तो एक प्रकार का डब्लू जैसा संरचना जो है वो क्रिएट कर रहा है, एग जैसा भी संरचना बोलते हैं। अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखें, अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा, तो दो अंडे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है। तो ये ट्राकिया और लेरिंग्स के जस्ट नीचे जो है आपका थायराइड ग्लैंड होता है, जो दो लोब्स में बटा होता है। ये दोनों लोब्स एक ब्रिज के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं। ये आपके थायराइड ग्लैंड के एक्चुअल में स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब जो है हम लोग देखेंगे कि थायराइड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। डायग्राम दिखाकर जो है आप लोगों को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि एग्जैक्ट में थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब जो थायराइड ग्लैंड है वो हमको पता चल गया कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट क्या पोजिशन होता है, किस प्रकार की संरचना होती है, ये भी हमने देख लिया। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की क्या 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 फंक्शन है। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन हैव अन वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑन द ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, द ग्रोथ ऑफ टीथ, द कॉन्टूर्स ऑफ द फेस एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। दे ऑल्सो कैरी आउट फॉलोइंग फंक्शन। अब एक बात बताइए, जो थायराइड हार्मोन का मैंने आप लोगों को फोटो दिखाया था, जैसे कि मैंने ये थायराइड हार्मोन का जो फोटो दिखाया, अगर थायराइड हार्मोन थोड़ा सा भी अगर फूलता है, अगर बड़ा होता है, तो फेस का जो शेप है वो चेंज होता है। फेस का शेप सही शेप में होना, और आप लोगों के जो दांतों का जो ग्रोथ है वो, और साथ ही साथ जो है कार्टिलेज पे भी इनका बहुत अच्छा खासा जो है अफेक्ट इफेक्ट होता है। अगर थायराइड ग्रंथि में चेंजेस होंगे, थायराइड ग्रंथि में चेंजेस होंगे, तो आपकी बॉडी के शेप में, मतलब आपके फेस के शेप में और जो आपके दांत हैं उनकी ग्रोथ में जो है वो भी चेंज होगा। इसके अलावा जो और कुछ कुछ फंक्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है करके। जो पहला फंक्शन है वो ये है, दे ब्रिंग अबाउट डिएमिनेशन रिएक्शन इन द लीवर। जो आपका लीवर होता है, इस लीवर में ये डिएमिनेशन की रिएक्शन करते हैं। डिएमिनेशन की रिएक्शन जो है वो करते हैं, मतलब अगर क्षार की मात्रा या सॉरी एमीन बोलती है, एसिड की मात्रा जो है अगर अत्यधिक हो जाती है, तो उसे अमीनो ग्रुप की मात्रा को कम करने के लिए, अमीनेशन मतलब डीएमिनेशन मतलब आपके अमीनो ग्रुप की मात्रा अगर अत्यधिक बढ़ जाती है, अमीनो ग्रुप की मात्रा या फिर अमीनो एसिड की मात्रा अत्यधिक आपके लीवर में बढ़ जाती है, तो उसे कम करने में हेल्प करते हैं कौन, आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं। वो थायराइड हार्मोन लीवर में उपस्थित, अगर अमीन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे कम करने में हेल्प करते हैं थायराइड हार्मोन लीवर में। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका, दे ऑल्सो कैरी ऑन एक्स्ट्रा फैटिक टिश्यूज, दीज इन्फ्लुएंसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय ऑल्टरिंग द परमीएबिलिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आपका जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का ऐसा कनेक्शन रहता है, ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी में, क्योंकि ये जो है आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के रिएक्शन को जो है ऑल्टर कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली जो पाई जाती है, उसकी पारगम्यता जो है, परमियाबिलिटी,
परमीएबिलिटी जो पारगम्यता होती है, या फिर जो परमीएबिलिटी रहती है, ये पारगम्यता को भी ऑल्टर कर सकता है, पारगम्यता को या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है, ये भी इनमें एक जो है गुण पाया जाता है। देयर प्रेजेंस एक्सेलरेट्स मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियंस, दिस इज सो सेंसिटिव टेस्ट दैट टेटपोल हैज बीन वाइडली यूज फॉर द एसे ऑफ द पोटेंसी ऑफ दीज हार्मोन्स। अब ये जो है, ये एक और चीज भी करते हैं कि इस थायराइड हार्मोन में ना तो सिर्फ आप लोग के लीवर में डीएमिनेशन करने की जो गुण है ये पाया जाता है, एक फंक्शन होता है इसका। दूसरा फंक्शन ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसकी पारगम्यता को भी ये बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ये एक फंक्शन हो गया। और तीसरा फंक्शन जो है ये क्या कर सकते हैं, दे में इंक्रीज द लेवल ऑफ साइटोक्रोम इन द टिश्यूज। आपके जो ऊतक रहते हैं, कोशिका के जो ऊतक रहते हैं, या मतलब आपके जो टिश्यूज होते हैं, सेल के टिश्यूज जो होते हैं, उनमें जो है साइटोक्रोम की संख्या को, ये क्या कर सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक इसका फंक्शन हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं, इन एम्फीबियंस की कैटेगरी में वो जानवर आते हैं जो आपके पानी में भी रह सकते हैं और आपके जमीन पे भी रह सकते हैं। ऐसे जानवर जो हैं वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो आपका जमीन पे भी रह सकता है और आपके आपके पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपका कौन आता है, आपके एम्फीबियंस की कैटेगरी में ऐसे जानवरों को रखा गया है। तो एम्फीबियंस में आपका ये, इसका थायराइड का रोल बहुत बड़ा होता है एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं नहीं बताऊंगी, इस प्रोसेस को पुष्पा मैडम ज्यादा अच्छे से बताएंगी क्योंकि आप लोगों का ये जूलॉजी का है, मैं सिर्फ एक जनरल इंट्रो दे रही हूँ। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है एक, ठीक है, जब टेटपोल लार्वा, मतलब जब बच्चा बड़ा होता रहता है, जब लार्वा जो है बड़े होते रहते हैं, उस टाइम मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। एक्चुअली ये लार्वा के बड़े होने की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जब लार्वा के बड़े होने की प्रोसेस, मतलब जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जब होती है एम्फीबियंस में, मतलब जब मेंढक का ही अगर एग्जाम्पल है की बात की जाए, तो मेंढक के जो लार्वा होते हैं उनमें जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, उस टाइम क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को स्पीड में करने के लिए, स्पीड अच्छी सी बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, आप लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते तो गाड़ी आगे बढ़ती है कि नहीं, स्पीड पकड़ती है कि नहीं गाड़ी, जैसे जैसे एक्सेलेटर देते हो, उसी प्रकार से जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम, अच्छे से स्पीड बढ़ाने का काम भी थायराइड ग्लैंड का होता है लार्वा में। एंड दिस इज सो सेंसिटिव टेस्ट दैट टेटपोल हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर द एसे ऑफ द पोटेंसी ऑफ द हार्मोन। और इसी वजह से ही टेटपोल लार्वा जो होता है उनमें इसके असर को अच्छा देखने की वजह से ही क्या होता है कि टेटपोल लार्वा को बहुत सारे रिसर्च में प्रैक्टिकल के लिए यूज भी किया जाता है। इसलिए आप लोगों ने, आई डोंट नो आप लोगों ने 12th में डाइसेक्शन वाला प्रोसेस किया था कि नहीं, व्हेन आई वाज इन 12th, मैं जब क्लास 12th में थी तब मैंने टेटपोल लार्वा जो है उसका, टेटपोल लार्वा का हमने प्रैक्टिकल भी किया था और साथ में जो है हम लोगों ने फ्रॉग का डाइसेक्शन भी किया था। आज के डेट में खैर डाइसेक्शन करना अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें किसी की जान लेकर या फिर किसी भी जानवर को पकड़ के उसे डाइसेक्ट करना, मतलब काटने अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, तो वो एनिमल राइट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो फिर लेकिन पहले ऐसा होता था, तो हमने प्रोसेस की भी है। तो टेटपोल लार्वा किसे बोलते हैं, तो आपका जो सबसे पहले, तो आपके आपका जो फ्रॉग है, फ्रॉग जब अंडे देता है, जब अंडे फूटते हैं छोटे छोटे, तो फिर उनमें जो है टेटपोल लार्वा बनता है। तो डायरेक्टली आपके मेंढक नहीं बन जाते हैं, टेटपोल लार्वा लार्वा जैसे होते हैं, जिसमें जो है ना तो आपका आंख मुंह रहता है, ना तो फिर आप उसके पैर रहते हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी पूंछ रहती है जो तैरते रहते हैं, और धीरे धीरे जो है ये पूरा कंप्लीट जो है डेवलप होते हैं आपके जो फ्रॉग में, कंप्लीट बड़े फ्रॉग में, मतलब कंप्लीट बड़े से मेंढक में वो डेवलप होते हैं। तब जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है वो प्रोसेस है जब टेटपोल लार्वा जो है वो ग्रो करके पूरे फ्रॉग में डेवलप हो जाता है, वृद्धि कर लेता है कंप्लीट। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को स्पीड करने के लिए भी थायराइड जो ग्लैंड, थायराइड हार्मोन जो है वो हेल्प करते हैं, थायराइड हार्मोन इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि जो है ये जल्दी से बड़े हों। ठीक है,
तो इसलिए जो हार्मोन जो है दस अपेरेंट दैट दीज हार्मोन्स अफेक्ट द जनरल मेटाबॉलिज्म रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ इट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द थायराइड ग्लैंड हैज राइटली बीन कॉल्ड एट द पेस सेटर और द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा भी इंसानों में भी अगर फंक्शन की बात की जाए तो थायराइड की बीमारी जो है कई लोगों को होती है, जिसमें थायराइड जो ग्लैंड है वो अच्छे से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाता है। एक्चुअल में थायराइड अगर किसी को होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, इसे मैं कल की क्लास में समझाऊंगी कि थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी को है, यूजुअली लेडीज में देखी जाती है ये प्रॉब्लम जो है, तो अगर किसी लेडी को थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है तो थायराइड में क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में मैं कल अच्छे से कल क्लियर करूंगी। अभी आप लोग की दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है,